दोस्तों आप लोग करौली जिले में स्थित केला मैया के मंदिर तो बहुत बार गए होंगे और आपने मंदिर के दर्शन भी किए होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को केला मैया के ऐसे धाम के बारे में बताऊंगा जो कि आप मुझे लगता है शायद वहां पर नहीं गए होंगे। आज मैं आप लोगों को जिस मंदिर के दर्शन कराऊंगा वह केला माता का प्राचीन मंदिर है, अर्थात वह मंदिर जहाँ पर पहला स्थान है केला माता का। केला मैया वहां पर पहले से विराजमान रहती थी और जो मंदिर आप देख रहे हैं वह मंदिर बाद में बना है। दोस्तों केला मैया का यह प्राचीन मंदिर केला देवी अभ्यारण्य में केला देवी से लगभग 4 किलोमीटर ऊपर स्थित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर गुफा में केला मैया रहा करती थी और केला मैया का यहीं पे अवतरण हुआ था। यह घने जंगलों में स्थित मंदिर है। जैसे ही इस मंदिर में हम सीढ़ियों से नीचे उतर कर आते हैं तो सबसे पहले एक गौमुख दिखाई देता है। इस गौमुख में से 12 महीने और 24 घंटे जल, पवित्र जल निकलता है। कहते हैं इस जल में स्नान करने से सभी कष्ट और रोग दूर हो जाते हैं तथा यहाँ पर एक पत्थर पर सभी लोग अपनी मनोकामना के सिक्के चिपकाते हैं। कहते हैं ये सिक्का जिसका भी चिपक जाता है उसकी मनोकामनाएं केला मैया जरूर पूर्ण करती हैं। क्योंकि यह बहुत ही गुप्त और प्राचीन मंदिर है इसलिए यहाँ पर लोगों की भीड़ ज़्यादा नहीं रहती है और लोगों को इस मंदिर के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है, लेकिन इस मंदिर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, प्राचीन महत्व है। चलिए आपको मंदिर में माता के दर्शन कराता हूँ। माता का यह मंदिर बहुत ही सुंदर है और यह एक शीश महल की तरह जड़ा हुआ है। इसका बहुत ही अच्छी कारीगरी और बहुत सुंदर काम हुआ है। देखिए आपको माता के दर्शन करवाता हूँ मैं जाली में से, क्योंकि अंदर तो जाने नहीं देंगे इसलिए मैं बाहर से ही आपको माता के दर्शन कराता हूँ। माता की मूर्तियाँ अंदर रखी हुई हैं, ये देखिए माता की दोनों मूर्तियाँ रखी हुई हैं माँ केला देवी की। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बाहर लिखा हुआ है जय माता जी की। देखिए बहुत ही सुंदर अद्भुत नज़ारा है मंदिर का, बहुत ही प्यारा मंदिर है तथा इस मंदिर में बहुत सारे बाबा और ऋषि मुनि संत भी रहते हैं यहाँ पर और माता की तपस्या करते रहते हैं। चलिए अब मैं आपको माता की गुफा के दर्शन कराता हूँ जहाँ पर माता रहा करती थी, वो इस मंदिर के नीचे है गुफा। मैं आपको गुफा तक लेकर चलता हूँ, ये सीढ़ियों से उतरना पड़ेगा। यहाँ पर ये मूर्तियाँ रखी हुई हैं, नवरात्रा में नवदुर्गाओं में जो लोग मूर्ति की स्थापना करते हैं वो यहाँ पर मूर्ति का विसर्जन करके जाते हैं। देखिए सब लोग ऊपर झरने का जो पानी आ रहा है गौमुख से उसमें स्नान भी करते हैं और उसका आचमन भी करते हैं। ये देखिए माता की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, जो लोग नवदुर्गाओं में माता की पूजा करते हैं वो यहाँ पर मूर्ति का विसर्जन करके जाते हैं। और ये गुफा का प्रवेश द्वार है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी काफी बारिश के दिनों में पानी बहुत तेज रहता है। ये गुफा में लोग अंदर बाहर आ रहे हैं, ये हमारी चुन्नू है, ये देखिए गुफा में काफी पानी भरा हुआ है क्योंकि बारिश का मौसम है और सब लोग यहाँ पर अपनी मनोकामनाओं की चुनरी बांध के जाते हैं। हम आपको गुफा के अंदर लेकर चलते हैं, माता के दर्शन कराऊंगा। इस टाइम गुफा में बहुत कीचड़ हो रहा है क्योंकि बारिश का जितना भी पानी है वो पूरा गुफा में अंदर ही आके भर जाता है। ये देखिए बहुत ही छोटी सी गुफा है और इसमें झुक के अंदर जाना पड़ता है और गुफा में घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है। अंदर चलते हैं और माता के दर्शन कराता हूँ। ये देखिए छोटी सी बच्ची माता के दर्शन कर रही है। ये माता की दो मूर्तियां यहाँ पर स्थापित हैं। कहते हैं ये वही जगह है जहाँ पर माता अवतरित हुई थी। देखो यह माता का बहुत ही प्राचीन मंदिर है तथा इसे केदार गुफा भी कहा जाता है। ये जो गुफा है इसका नाम केदार गुफा है। तो जब भी आप कभी केला देवी के दर्शन करने आए तो एक बार माता के इस प्राचीन मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। अब गुफा से बाहर चलते हैं। दोस्तों यह है मंदिर केला देवी के लिए, आप जाएंगे जो पीछे का रास्ता है वहां से, जैसे ही केला देवी अभ्यारण्य के लिए हम जाते हैं
केला देवी अभ्यारण्य में प्रवेश करने पर लगभग 4 किलोमीटर आगे चलने के बाद में यह मंदिर आता है। वहां पर एक बोर्ड आपको लगा हुआ मिलेगा जहां लिखा हुआ है माता का पहला धाम, माता का पहला मंदिर। तो आप वहां से मुड़के और माता के मंदिर के लिए आ सकते हैं। यहां पर आने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। यह बहुत ही पवित्र और प्राचीन मंदिर है और ये जो गौमुख से जल है यह हमेशा 12 महीने और 24 घंटे बहता ही रहता है। यह जल कभी भी बंद नहीं होता है और किसी को पता नहीं कि यह जल कहां से आता है। इसे गुप्त गंगा भी कहा जाता है। अब हम फिर से मंदिर में आ जाते हैं और यह मंदिर का प्रांगण है। यहां पर हवन आदि होते रहते हैं हमेशा। और फिर मंदिर के ऊपर एक हनुमान जी का मंदिर भी है। हम सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं हनुमान जी बाबा के दर्शन करने के लिए। ये देखिए हम ऊपर चलते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पहले लोगों को इस मंदिर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब जैसे जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों को पता लगने लगा है, तो सब माता के इस मंदिर पे भी आने लगे हैं। ये देखिए यहाँ पर लोग अपनी मनोकामनाओं के घर बनाते हैं। कोई 2 मंजिल, कोई 4 मंजिल के यहाँ पे घर बनाते हैं, जिससे उन्हें ये लगता है कि यहाँ पर घर बनाने से उन्हें अपना घर मिल जाएगा। इसी लोग यहाँ पे माता के मन्नत की चुनरिया बांध के जाते हैं तथा घर बना के जाते हैं। यह हमारे हनुमान जी का स्थान है। ये देखिए जय श्री राम यहाँ पे लिखा हुआ है। हनुमान जी के पवित्र दर्शन हम करते हैं। अद्भुत, बहुत ही सुंदर। हनुमान जी के दर्शन करके जीवन धन्य हो जाता है।